तो कौन से फॉरेन क्रिकेटर्स पीएसएल 2020 के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो खेलने के लिए आएंगे, तमाम क्रिकेटर्स ने ऐलान कर दिए। जो जो क्रिकेटर्स हैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल का स्केड्यूल यानी 12 नवंबर से स्टार्ट कर दिया गया। 12 नवंबर के बाद 3 दिन मैचेस होंगे जो कि कजाफी स्टेडियम में होंगे। इस चीज़ का पीसीबी ऑफिशियल ऐलान कर चुका है कि ये तमाम मैचेस कजाफी स्टेडियम में होंगे, मगर शायकीन क्रिकेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे ड्यू टू कोरोना वायरस, और तमाम क्रिकेट शायकीन घर में बैठ के मैचेस देख सकेंगे। सो दोस्तों, डीन जोन्स जो कि कराची किंग्स के कोच हैं, हेड कोच हैं, उन्होंने कहा, माई अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ अवर कराची किंग्स अवर सीज एंड लोकल बॉयज विल बी अवेलेबल फॉर द पीएसएल प्लेऑफ्स नवंबर 14 to 17। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 14 नवंबर से एग्जैक्टली मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और 14, 15 फिर 16 को छुट्टी होगी, 17 को फाइनल होगा। सो उन्होंने कहा कि हमारे तमाम प्लेयर्स जो ओवरसीज हैं और जो लोकल हैं वो तमाम पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कराची किंग्स के जितने भी प्लेयर्स हैं जैसे हेल्स हो गया, जॉर्डन और बहुत से इसी तरह प्लेयर्स हैं, तो दोस्तों ये तमाम प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि इनके कोच डेन जोन्स ने भी कह दिया। वहीं साथ कैमरन डेलपोर्ट ने कहा कि मैं भी पीएसएल 2020 के रिमेनिंग मैचेस खेलने के लिए आऊँगा पाकिस्तान। सो कराची किंग्स की टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है जहाँ इनके तमाम प्लेयर्स खेलने के लिए आएंगे। आपको क्या लगता है कि फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा अपनी फेवरेट टीम का भी। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।